मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 25वां पार्ट है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को लेते हैं। ये 5-5 मिनट की प्रक्रिया है और ये करते रहेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या संवैधानिक निराकरण का अधिकार? भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19(1)(ब) में या अनुच्छेद 19(1)(अ) में, यानी ए में। तो ध्यान रहे, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन आएगा ये? संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार या समता का अधिकार? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये, आईएएस का प्रश्न है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे, हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं है? आप ऑप्शन में चुनेंगे बौद्ध, जैन और पारसी, या बौद्ध, जैन और सिख, कौन सम्मिलित नहीं है? और नेक्स्ट कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? धर्म की स्वतंत्रता या संपत्ति का अधिकार? मौलिक अधिकार के बारे में आप सही उत्तर दें। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है या आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है? इन दोनों में से आप सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता विधि के समक्ष समानता के अधिकार का या व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान रहे। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को हटा दिया गया? संवैधानिक उपचार के अधिकार को या संपत्ति के अधिकार को? और किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको ये शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? एक ऐसी रीट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, इस रीट को क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन या मैंडेमस? ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण है, यह हर एग्जाम में आ चुका है ISPCS में। प्रोहिबिशन या मैंडेमस, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेषण या परमादेश? कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया गया है? संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार? और भारतीय संविधान के कौन के किस अनुच्छेद में कौन विधायक सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण लगाता है? विधायी सत्ता पर नियंत्रण लगाता है कौन सा अनुच्छेद? ध्यान रहे, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 14 आया हुआ प्रश्न है ये। और
मद्रास राज बनाम चंपाकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? विधि के समक्ष समानता का अधिकार या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार? तो ये रहा कुल मिलाकर के, इसको इनके हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आईएएस पीसीएस में पूछे गए प्रश्न है, साथ में नेट में आते हैं, तो इसका ख्याल रखिए।